तो हम बना लेंगे अब हमारी अमेजिंग इंस्टाग्राम प्रोफाइल। उसके लिए आपको क्या एक शेप यहाँ पे जो लगा देनी है, और आप इसको यहाँ पे शेप में जाके सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने शेप ले ली है। कलर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर आपका अच्छा लग रहा है तो कलर ले लेना है। यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से जो आपको कलर अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर ले लिया है। देन उसके बाद आपको अपनी जो फोटो है उसको यहाँ पे जो ड्रॉप कर देना है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपना ये फोटो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जो कि अब यहाँ पे हमारे को दिक्कत चाहिए कि यहाँ पे ऐसे ही सेट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक फ्रेम लेना है। फ्रेम भी आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो। सेम फ्रेम ले लिया, इसको इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। देन इसके बाद इसको आपको पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ पे अपने से फिट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स हो चुका है। थोड़ा बहुत है तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं फोटो को। देन हम इसको फिक्स कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा सा और इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको भी हम कर देते हैं। ये हमारा हो गया फिक्स। देन इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमको क्या करना है, एडिट के अंदर जाना है। यहाँ पे हमारे को जो है शेडो दिखाई देगा। शेडो में हम जैसे जाएंगे तो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। आउटलाइन पे जो भी है आपको कलर आपके अकॉर्डिंग अगर लेना चाहो तो मैं व्हाइट व्हाइट प्रेफर करूंगा। ये व्हाइट ले लिया है। साइज के अकॉर्डिंग आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैं इतना कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा अच्छा लगेगा। देन उसके बाद ये हो गया है हमारा डन। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ये नीचे है जो आउटलाइन के कारण ये हमारे को देखने को मिल रहा है। इसको हमको थोड़ा सा जो एडजस्ट कर देना है, जो कि है इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे। देन हम इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के खींच देंगे जिससे कि ये व्हाइट लाइन है इसकी हट जाएगी। एंड देन इसको हम वापस से वैसे फिट कर देंगे, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। अब इसको हमको ज़्यादा थोड़ा और अच्छा कूल बनाना है तो हम वापस एडिट पर जाएंगे। एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है, सेचुरेशन को हमको ढूंढना है। ये रहा सेचुरेशन, इससे होता है क्या, कलर बढ़ता है, कलर डार्क हो जाता है। तो कलर डार्क करने से जो थोड़ा काफ़ी अच्छा है, हमारे को थोड़ा कूल नज़र आएगा। तो ये देख सकते हो बहुत ही जल्दी है, जो कि हमारा आसानी से यहाँ पे ये बन चुका है। तो आपको वीडियो छोड़ कर नहीं जाना है, इसको आपको शेयर पर क्लिक करके डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे PNG को सेलेक्ट करना है, और मेक श्योर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट डाउनलोड हो। और अगर फिर भी आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको ये वाला कलर रखना है तो आप ये वाला कलर भी रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कलर। और अगर आपको इसका ये चेंज करना है सिचुएशन तो उसको चेंज भी कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके का हो जाएगा। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देन उसके बाद जो मैंने बताया आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, देन PNG पे जाके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, देन अपनी जो भी फाइल है आपको उसको सेलेक्ट करनी है, वरना ये उसके अंदर जी फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पर सिंपल से क्लिक कर देना है। एंड अब यहाँ पे जो हमारा डाउनलोड आ जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के ट्यूटोरियल हैं जो आपको मिलते रहेंगे, और आप इसको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लगा सकते हो, जो कि काफ़ी कूल लगने वाला है। मिलते हैं दोनों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।